दिल्ली पुलिस ने रविवार को जंतर मंतर पर पहलवानों के विरोध प्रदर्शन के आयोजकों और उनके समर्थकों पर दंगा करने और सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने के आरोप में FIR दर्ज की है। जिन लोगों पर FIR हुई है उनमें बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट भी शामिल हैं। समाचार एजेंसी NI के मुताबिक ये FIR भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 149, 186, 188, 332, 353 और DPP एक्ट की धारा 3 के तहत दर्ज की गई है। रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे कुश्ती खिलाड़ियों को धरना स्थल से हटा दिया गया। ये खिलाड़ी BJP सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ धरना दे रहे थे। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर अलग अलग स्थानों पर रखा है। पहलवानों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि उन्हें सड़क पर घसीटा गया। हालांकि देर रात पुलिस ने विनेश फोगाट, साक्षी मरित और संगीता फोगाट को छोड़ दिया, लेकिन कुछ पहलवान अभी भी पुलिस की हिरासत में हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही महिला पहलवानों ने रविवार को दिल्ली में महिला महापंचायत करने का आह्वान किया था। रविवार को ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरना स्थल से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर नवनिर्मित सांसद भवन का उद्घाटन किया। पहलवानों के आह्वान की वजह से दिल्ली में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए और दिल्ली की तरफ आने वाले रास्तों की नाकेबंदी कर दी गई। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया को कानून व्यवस्था के उल्लंघन के आरोप में हिरासत में लिया। दिल्ली पुलिस ने पूरे घटनाक्रम पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जिन लोगों ने बैरिकेड तोड़कर आगे जाने की कोशिश की उन्हें रोका गया और यहाँ से हटाकर दूसरी जगह ले जाया गया। महिला पहलवानों ने प्रधानमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील भी की थी, लेकिन प्रधानमंत्री समेत अब तक भारत सरकार की किसी भी मंत्री ने इस मामले पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियाई चैंपियनशिप और देश दुनिया की कई दूसरी प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने वाले पहलवान 23 अप्रैल से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। पहलवानों ने जनवरी 2023 में भी कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और BJP सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन किया था। महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह ने खुद पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। इस पूरे मामले की शुरुआत 18 जनवरी 2023 को ही देश के प्रमुख पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचकर आवाज उठाई। उन्होंने रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए। इन आरोपों में बुनियादी सुविधाओं की कमी, वित्तीय अनियमितताएं, खिलाड़ियों के साथ बुरा बर्ताव और मनमाना रवैया शामिल था, लेकिन सबसे गंभीर आरोप यौन शोषण से जुड़े थे। तब विनेश फोगाट ने रोते हुए कहा था कि ब्रजभूषण सिंह और कोच नेशनल कैंप में महिला रेसलर्स का यौन उत्पीड़न करते हैं। फोगाट ने कहा था, वे हमारी निजी जिंदगी में दखल देते हैं और परेशान करते हैं, वे हमारा शोषण कर रहे हैं। इन आरोपों को खारिज करते हुए तब ब्रजभूषण सिंह ने कहा था कि किसी भी एथलीट का यौन शोषण नहीं हुआ है और अगर यह सच साबित होता है तो वो फांसी पर लटकने को तैयार हैं। लेकिन खिलाड़ियों के गंभीर आरोपों को देखते हुए केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने तब पहलवानों के साथ मुलाकात की और 23 जनवरी को आरोपों की जाँच के लिए 5 सदस्यीय निरीक्षण समिति बनाई। ओवरसाइट कमेटी निरीक्षण समिति ने पहले कुल 5 लोगों को शामिल किया गया। दिग्गज मुक्केबाज MC मैरी कॉम को इस समिति का अध्यक्ष चुना गया था। इसके अलावा इसमें ओलंपिक पदक विजेता योगेश्वर दत्त, पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी तृप्ति मुरगुंडे, टॉप्स के पूर्व CEO राजगोपालन और भारतीय खेल प्राधिकरण की पूर्व कार्यकारी निदेशक राधिका श्रीमन शामिल थे। बाद में पहलवान और BJP नेता बबीता फोगाट को भी इस समिति का हिस्सा बनाया गया। इस समिति का काम ब्रजभूषण सिंह अधिकारियों और कोचों पर लग रहे उत्पीड़न, वित्तीय कुप्रबंधन और प्रशासनिक चूक के आरोपों की जांच करना था। समिति को 1 महीने के लिए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के कामकाज को भी देखना था। समिति को 4 हफ्तों के अंदर जांच पूरी करने को कहा गया था। फिर इसकी समय सीमा को 2 और हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया, जिसके बाद अब खिलाड़ियों का कहना है कि समिति को बने 3 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन समिति ने क्या जांच की और उस जांच के क्या निष्कर्ष निकाला ये अभी तक सामने नहीं आया है। आरोप है कि इसके उलट जांच रिपोर्ट से जानकारियां मीडिया में लीक की जा रही हैं, जबकि निरीक्षण समिति की ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं है। जांच कमेटी की रिपोर्ट से असंतुष्ट पहलवानों ने 23 अप्रैल को विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया के नेतृत्व में एक बार फिर दिल्ली का रुख किया और जंतर मंतर पर बैठ गए। पहलवानों ने अपनी मांगों को दोहराते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 FIR दर्ज की, जिसमें से एक FIR पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुई। पहलवानों ने आरोप लगाया कि रात में दिल्ली पुलिस ने बिजली पानी काट दिया और धरना प्रदर्शन स्थल खाली करने का दबाव बनाया। ब्रजभूषण सिंह की गिनती दबंग नेताओं में होती है। वे उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं और कैसरगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। छात्र जीवन से ही राजनीतिक तौर पर बेहद सक्रिय रहे। ब्रजभूषण शरण सिंह का युवा जीवन अयोध्या के अखाड़ों में गुजरा। पहलवान के तौर पर वे खुद को शक्तिशाली कहते हैं। कॉलेज के दौर में ही वे छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए और यहाँ से उनका सक्रिय राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। 1988 में वे BJP से जुड़े और फिर पहली बार 1991 में लोकसभा के लिए रिकॉर्ड मतों से सांसद बने। वे 1999, 2004, 2009, 2014 और 2019 में भी लोकसभा के लिए चुने गए। कुल मिलाकर वे 6 बार लोकसभा के लिए चुने गए। BJP से जुड़ने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी छवि एक हिंदूवादी नेता के तौर पर बनाई और अयोध्या के बाबरी मस्जिद ढांचे को गिराने के अभियुक्त भी रहे। हिंदुत्व राजनीति के मुखर समर्थक रहे। ब्रजभूषण सिंह का नाम BJP के कद्दावर नेता लालकृष्ण आडवाणी के साथ उन 40 अभियुक्तों में शामिल था जिन्हें 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराने का जिम्मेदार माना गया था। हालांकि सितंबर 2020 में कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के साथ मतभेद के चलते उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और 2009 के लोकसभा चुनाव में वे सपा के टिकट पर कैसरगंज से जीते। इसके बाद वे एक बार फिर 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले BJP में शामिल हो गए। ब्रजभूषण सिंह 2011 से ही कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष भी हैं। 2019 में वे कुश्ती महासंघ के तीसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे। बाद के सालों में ब्रजभूषण शरण सिंह का प्रभुत्व गोंडा के साथ साथ बलरामपुर, अयोध्या और आसपास के जिलों में बढ़ता गया और वे 1999 के बाद से अब तक एक भी चुनाव नहीं हारे हैं। अतीत में उन पर हत्या, आगजनी और तोड़फोड़ करने के भी आरोप लग चुके हैं। पिछले दिनों झारखंड के अंडर 19 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप के दौरान एक रेसलर को उन्होंने मंच पर ही थप्पड़ मार दिया था। ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण भी राजनीति में हैं। प्रतीक गोंडा से BJP विधायक हैं। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।